जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, ये वीडियो है स्पेशली कैंटीन सुविधा के लिए। जो अर्धसैनिक बल है उनमें कैसी कैंटीन सुविधा होती है और क्या CRPF के कैंटीन वाला BSF के कैंटीन में जाके सामान परचेस कर सकता है, क्या BSF के कैंटीन वाला CRPF, मान लो उसके आसपास में, घर के आसपास में अगर कोई BSF की CPC कैंटीन नहीं है तो क्या CRPF की CPC कैंटीन से वो सामान खरीद सकता है या नहीं, और क्या क्या सुविधा कैंटीन में मिलती है और कितना डिस्काउंट मिलता है कैंटीन में। तो ये पूरा वीडियो उसी के बारे में दोस्तों। इसके साथ में बता दूँ, कई भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं सैलरी पेंशन से अबाउट। तो दोस्तों, सैलरी पे और पेंशन से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो उसके बारे में आप वीडियो देख लीजिए, आपको सैलरी ट्रेनिंग के पहले कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के टाइम कितनी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी बनेगी, और पेंशन आपकी मतलब किस आधार पे होगी, कितनी होगी, जो अभी जो नया पेंशन स्कीम चल रही है उसके अनुसार आपको कितना पैसा जमा होता है और कितना पैसा आपको ट्रेनिंग के रिटायरमेंट के समय मिलता है दोस्तों। तो ये वीडियो स्पेशली है CPC कैंटीन के दोस्तों, कि आपको अर्धसैनिक बलों को कौन कौन सी कैंटीन सुविधाएँ मिलती हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूँ कि कैंटीन सुविधा कितनी छूट मिलती है ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर एक प्रोडक्ट पे कहीं पे 33% भी होती है, कहीं पे 40% भी होती है और कहीं पे 20 और 15% भी होती है। ये डिपेंड करता है ब्रांड पे और उसकी चीज़ों पे दोस्तों, कि किस किस ब्रांड की चीज़ें किस भी दर में कैंटीन को मिल रही है उस पे। अब साथ में रहा कि क्या लिक्विड भी मिलती है, तो हाँ, कई जगह अर्धसैनिक बलों के भी बहुत सारे ऐसे मतलब CPC कैंटीन है जहाँ पर लिक्विड मिलती है। जैसे दिल्ली में बहुत सारे जैसे BSF के, CRPF के, CISF के इनकी कैंटीन है जहाँ पर लिक्विड भी मिलती है, मतलब दारू की सुविधा भी होती है कैंटीन में। कैंटीन कार्ड से आप व्हीकल भी ले सकते हो, ऐसी सुविधा भी है कि कैंटीन से आप व्हीकल लेते हो तो उसमें भी दोस्तों आपको छूट मिलती है। CPC कैंटीन के तहत अगर आप लेते हो व्हीकल, उसमें आपको छूट मिलती है दोस्तों। और जो कैंटीन की जैसे BSF वाला क्या CISF के कैंटीन में जा सकता है CISF वाला, तो दोस्तों CPC कैंटीन अगर आपके पास में, मान लो आपका घर जहाँ जिस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ आपके डिपार्टमेंट का CPC कोई कैंटीन नहीं है, मान लो आप राजस्थान के, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो या दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर अगर CPC कैंटीन, जैसे आप मान लो CRPF में हो और वहाँ पर BSF का ग्रुप सेंटर है या BSF का जो कोई ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर BSF का अगर कोई कैंटीन है तो उसमें से आप सामान परचेज कर सकते हो दोस्तों। कईयों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर, मेरे पास में तो BSF की यूनिट है लेकिन मैं तो SSB में हूँ, मैंने SSB चॉइस की है, तो क्या मैं उसमें जा सकता हूँ, उस कैंटीन से सामान खरीद सकता हूँ? तो हाँ दोस्तों, अगर आप CPC कैंटीन में, मतलब कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, आप CPC कैंटीन से ले सकते हो, लेकिन आर्मी कैंटीन से नहीं ले सकते दोस्तों। आर्मी कैंटीन से केवल असम राइफल के जवान ही ले सकते दोस्तों, क्योंकि असम राइफल टोटल डिपेंड होती है आर्मी पे, वो आर्मी की प्रोग्रेस के अनुसार चलती है, उनकी वर्दी भी सेम होती है और वो पूरा आर्मी के अंडर ही काम करती है दोस्तों। तो वो केवल आर्मी की कैंटीन सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं, बाकी जैसे CISF होगी, BSF, CRPF, ITBP, SSB, तो इनके जो जवान होते हैं वो CPC कैंटीन यूज़ करते हैं दोस्तों। CPC कैंटीन में भी काफ़ी छूट रहती है, पूरा सामान मिल जाता है। कुछ जगह जैसे आपका BSF का नहीं तो CRPF का कैंटीन सुविधा मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जा सकते हो अपने, जैसे आप जो बंदा खुद फोर्स में है वो अपना कार्ड दिखा के, या आपका डिपेंडेंट कार्ड बना रखा है आपने अपनी फैमिली का, डिपेंडेंट कार्ड बन जाता है कि कौन कौन आप पे डिपेंड करता है, तो उनके उनके कार्ड से जाके वहाँ पर दोस्तों सामान खरीद सकते हैं। ये कई भाइयों का क्वेश्चन थे। अब छूटें कितनी रहती है, कि आर्मी की कैंटीन के बराबर रहती है या कम ज़्यादा रहती है दोस्तों, तो कईयों का ऐसा क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनमें आपको छूट मतलब 33% 40% भी मिलती है, लेकिन उसको आप आर्मी कैंटीन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों की उधर छूट कम ज़्यादा होती रहती है, कईयों की इधर छूट कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हाँ, छूट का फ़ायदा लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। नॉर्मल मान लो कि अगर 100 रुपये की चीज़ है इधर 66 में मिली तो उधर 65 में मिल रही होगी, 1 या 1.5 रुपये का इतना फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता दोस्तों। CPC कैंटीन में भी काफ़ी छूटें रहती है और कैंटीन सुविधा काफ़ी अच्छी है अर्धसैनिक बलों की भी, हर जगह आपको कैंटीन सुविधा मिल जाएगी दोस्तों। और इसके बारे में आप क्या जानकारी जानना चाहते हो किसी के बारे में अर्धसैनिक बलों से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, आपको उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।